उसका फर्स्ट वाला, थर्ड का फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है? टू, फिर ये 26। इजी है, फिर भी समझ लो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टू कॉमा ब्लॉक कॉमा 26। आपको ये सीरीज दिया हुआ है, बोल दिया है कि ये किस में है, एपी में है। ठीक है, तो आपको ये मिसिंग नंबर बताना है। टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? थ्री टर्म्स हैं। तो देखो ए थ्री की वैल्यू दिया हुआ है आपको, है ना। अब देखो कल हमने पढ़ा था nth टर्म का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हुआ करता था। इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म बोल के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सा है? 26। मतलब ए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दूँ? 26। आपसे लास्ट टर्म बोले या nth टर्म बोले, दोनों का फॉर्मूला सेम है, याद रखना, नोट कर लेना ये नोट पॉइंट। तो ए एन की वैल्यू 26, ए की वैल्यू 2, एन की वैल्यू बताइए कौन से टर्म की वैल्यू पुट की हो आप? थर्ड टर्म की। तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे? 3 माइनस 1 इंटू डी फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे। 26 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2d, 2 प्लस 2d आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 को इधर माइनस कर दो इधर ला के, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। इधर क्या बचेगा? 2d कितना आएगा? ये 24 इज इक्वल टू 2d, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो डी की वैल्यू 12 आ गई। कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज डी? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 12 आ गया। मतलब फर्स्ट टर्म 2 है तो सेकंड टर्म क्या होगा? 2 प्लस 12 कितना आएगा? 14। एंड 14 प्लस 12 कितना आएगा? 26। तो कॉमन डिफरेंस निकाल के हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू बता सकते हैं। समझ में आ गया कैसे करना है? कौन सा वाला नहीं बना इसमें बताओ? फिफ्थ वाला नहीं बना, बताइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है? बॉक्स 38, हाँ हाँ हाँ, माइनस 22। ठीक है, -22 हमको गिवन है। देखो ना, तो अब आपको ना तो फर्स्ट टर्म दिया है ना तो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो आप दोनों चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी आप ये इनकी जगह पे वैल्यू फिल कर सकते हो। ठीक है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, किसकी वैल्यू दी हुई है? ए टू की। तो ए टू के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म है इसलिए एन की वैल्यू क्या होगी? 2, 2 माइनस 1 इंटू डी। ए टू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 38। ए 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 इंटू डी। मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना मिल गया? 38, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा हमको? ये वाले टर्म से। कौन सा टर्म है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए 6 की वैल्यू दी हुई है हमको कितनी? -22। ए 6 का फार्मूला ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ए 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है? -22। ए प्लस 5d हो जाएगा, ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, कौन कौन से मेथड थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेटिंग मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इन तीनों में से आपकी मर्जी है, जो भी आपको सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हो। तो ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22, और दूसरा इक्वेशन क्या है? ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। तो मुझे इक्वेटिंग मेथड बहुत ईजी लगता है, इसलिए मैं वही फॉलो करूँगा। ए और ए क्या है? सेम है, माइनस चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, माइनस हो गया ये प्लस का, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, और ये भी माइनस। तो ये ए और ये कट गया, 5d माइनस डी कितना बचेगा? 4d। -22 -38 हाउ मच? 50 -60, -60। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -15। तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया कितना? -15। अब ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? दोनों में से किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, इस इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू पुट करो, ए प्लस -15 इज इक्वल टू 38। क्लियर है? ए प्लस माइनस, -15 इज इक्वल टू 38। ये -15 उधर जाके क्या होगा? +15, 38 प्लस 15 कितना आएगा बताइए?
53. तो फर्स्ट टर्म हमको मिल गया 53, मतलब यहाँ पे इस ब्लॉक में 53 पुट करूँगा. 53 में से हमने माइनस 15 किया, कितना आया 38. 38 में से माइनस 15 करोगे कितना आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस 15 है. माइनस 15 करिए कितना आएगा 23 में से माइनस 15 करेंगे कितना आएगा 8 में से माइनस 15 करेंगे कितना आएगा -7. अब -7 से -15 करोगे कितना आएगा -22. सारे फेल हो गए. क्लियर है? तो जहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है तो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है. जहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं है तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने की ज़रूरत है. दोनों नहीं है तो दोनों फाइंड आउट करोगे. आप सॉल्व करिए फटाफट. चलिए 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? सीरीज दिया हुआ है ना, बताइए तो क्या सीरीज दिया हुआ है. 3, 8, 13, 18 78. डैश 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 78 थोड़ी ना यार, आपसे पूछ रहा है कि 78 जो है इस सीरीज का कौन सा टर्म है. लुक एट अवर ईयर, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सीरीज दी हुई है आपको, एपी बोला है कि नहीं. हाँ, तो एक एपी दिया हुआ है जिसमें से आपको बताना है कि 78 एक नंबर है जो कि इस सीरीज में है, तो कौन सा टर्म जो है 78 बोल रहा है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द nth टर्म बी 78. nth टर्म जो है इसका क्या है 78 है, एज्यूम कर लिए. अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है. अच्छा यहाँ बताओ, सबसे पहले फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है कॉमन डिफरेंस की 5. 8 माइनस 3 13 माइनस 8 18 माइनस 13 5 ही आ रहा है. ठीक है, एपी बोल ही दिया है तो सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक भी लिख लोगे तो काफ़ी है. तो डी की वैल्यू 5 आ गई. कैसे आई? 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. लेट द nth टर्म बी 78, मतलब ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 78, ए की वैल्यू कितनी है 3. कौन सा टर्म पूछा है, तो कौन सा टर्म मतलब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की. तो एन की जगह पे एन लिखूंगा मैं, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5. 3 इधर जाके माइनस कर दीजिए, एन माइनस 1 इंटू 5 कितना आएगा 75 डिवाइडेड बाय 5. 5 इधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करिए 15 जा 15, 1 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16. तो इसका जो 16th टर्म है, सो 16th टर्म इज 78. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज में आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब उसमें कितने टर्म्स दिए हैं, मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दो क्वेश्चन है उसमें से कौन सा बताऊं? सेकंड वाला. क्या है क्वेश्चन, पढ़िए. 18 5 रेस टू 1 बाय 2 50, ये 15 है. आगे 13 हाँ, माइनस 47 ना, डैश 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 मतलब -47. पक्का -47 है? ठीक, तो ये टर्म्स है हमारे पास. ठीक है, -47. तो लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लास्ट टर्म हो चाहे nth टर्म हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है. यहाँ पे आप करो क्या कर लो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए हो क्योंकि मिक्सड फ्रैक्शन में दिया है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो. 215 जा कितना होता है 30 प्लस 1 कितना होगा 31 बाय 2 13 डैश 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 माइनस 47. अब आपको ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 18, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करके 31 बाय 2 माइनस 18,
18 अपॉन 1 कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, 31 माइनस 36, 18 टू जो 36 कितना आएगा माइनस 5/2, कितना आ गया माइनस 5/2 आ गया। चलिए इसको पुट करते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दूं, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं ठीक है, स्मॉल l से, कहीं पे स्मॉल l लिखा होगा इस चैप्टर में तो समझ जाना वो लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है 18, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस 5/2। अच्छा लास्ट टर्म कितना है वो भी तो पुट करना है, कितना है माइनस 47, तो माइनस 47 18 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचा n माइनस 1 माइनस 5/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस माइनस ऐड होता है, 47 प्लस 18 कितना होगा 65, माइनस 65 इंटू 2, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 5 इधर आके डिवाइड होगा, 5 नहीं है वो माइनस 5 है, तो माइनस माइनस कैंसल आउट, 5 1 जा 5 13 जा 13 2 जा कितना आ गया 26, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, एन की वैल्यू कितनी आ गई, तो मतलब टोटल इसके कितने टर्म्स हैं 27 टर्म्स। ऐसे ही आपको फर्स्ट वाला भी सॉल्व करना है, नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ है कि सिक्स्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी, ठीक है इस एपी का -150 जो है टर्म है कि नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, एपी क्या दिया हुआ आपको 11 8 5 और 2, जो चीज चेक करने बोली है ना उसी को आप एज्यूम कर लो ठीक है, अब वो -150 इसका टर्म है कि नहीं चेक करना है, तो उसको हमने एज्यूम कर लिया कि वो nth टर्म है, nth टर्म मान के लिए फॉर्मूला लगा दो फिर से। अच्छा सबसे पहले बताओ a की वैल्यू कितनी है 11, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 8 - 11 हाउ मच -3 ठीक है, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू -150 हमने क्योंकि nth टर्म एज्यूम किया था, ए की वैल्यू कितनी है 11, एन की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है -1, डी की वैल्यू कितनी है -3, 11 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा -161 डिवाइडेड बाय -3 है ना, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट, 3 1 जा 3 5 जा 15 कैंसल आउट हुआ क्या, कितना आएगा 3 5 जा 15, 1 बचा 11, 11 मतलब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 2 बचा, 3 6 जा 18 2 बचा, तो आंसर कितना आ रहा है 53.66 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो कितना आ जाएगा इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54.66। ऐसा कोई टर्म होता है क्या पॉइंट में, हम बोलते हैं क्या भैया कि वो जो है कौन से सीट में बैठा है हाफ सीट में बैठा है या 1/1.2 सीट में बैठा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं ना, तो इसलिए ये -150 जो है इस एपी का टर्म नहीं है, समझ में आया, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है या फ्रैक्शन नंबर में आ रहा है ठीक है, सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 31st टर्म, मतलब एन की वैल्यू कितनी दी हुई है
31 whose 11th term is 38 11th term की वैल्यू कितनी दी हुई है 38 दी हुई है और 16th term is 73 16th term is कितना दिया हुआ है 16th term 73 ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में ध्यान से देखो कैसे करना है बहुत ही सिंपल है nth term का अगर फॉर्मूला याद है तो यही क्वेश्चन बन जाएंगे 31st term की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब n की वैल्यू 31 ठीक है 11th term मतलब n की वैल्यू कितनी 11 मतलब A11 का फॉर्मूला हमको लगाना है A प्लस क्या लिखूंगा n की जगह पे 11 माइनस 1 11th term का निकाल रहे हैं तो 11 पुट करेंगे ना भाई इंटू डी ए 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है 38 ए प्लस 10 डी इसमें देखो ए और डी की वैल्यू नहीं दिया था तो फाइंड आउट करना पड़ेगा इस एक इक्वेशन इससे बनेगा दूसरा इक्वेशन इससे बनेगा 16th term मतलब ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी ए 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है 73 ए प्लस 15 डी इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा 1 में क्या है a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73 इसको माइनस ये माइनस ये माइनस क्योंकि ये दोनों सेम है तो साइन चेंज करके मैंने कैंसिल आउट कर दिया 10 में से माइनस 10 में से 15 क्या कितना बचा माइनस 5 डी 38 में से 73 क्या कितना बचा माइनस 35 माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट डी 5 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा कितना आ जाएगा 7 डी की वैल्यू 7 आ गई ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10 इंटू 7 यहाँ पे डी की जगह पे 7 पुट किया इज इक्वल टू कितना है 38 ए प्लस 70 इज इक्वल टू कितना आया 38 70 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 माइनस 70 कितना आएगा आंसर हाँ माइनस 32 माइनस 32 तो फर्स्ट टर्म भी मिल गया हमको और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया हमको किसकी वैल्यू चाहिए 31st टर्म की तो ए 31 की वैल्यू फॉर्मूला पुट कर दो एन की जगह पे आप क्या पुट करूँगा 31 माइनस 1 इंटू डी ए 31 ए की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 डी की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7 30 इंटू 7 कितना होता है 210 210 में से 32 गया कितना बचा 98 10 में से 2 गया 8 बचा फिर कितना ये 0 हो गया तो 10 में से 3 गया कितना बचा 7 178 आंसर आएगा क्यों माइनस में लिखेंगे तो दोनों में से बड़ा कौन सा है विच इज़ बिगर नंबर 178 इज़ योर आंसर नोट डाउन फास्ट यस डियर 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 गिव मी द बुक एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ठीक है एक एपी है जो कितने टर्म्स कंसिस्ट करता है बोल रहा है 50 टर्म्स तो एन की वैल्यू दे दिया हुआ है कितनी 50 टोटल टर्म्स ना ये टोटल टर्म्स आगे बोल रहा है नेक्स्ट बनाइए आप आगे बोल रहा है विच थर्ड टर्म इज 12 इसका जो थर्ड टर्म है मतलब ए थ्री की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 दी हुई है एंड द लास्ट टर्म इज 106 लास्ट टर्म दिया हुआ है ठीक है लास्ट टर्म कौन सा होगा 50th टर्म होगा क्योंकि टोटल टर्म्स कितने हैं 50 तो लास्ट टर्म कौन सा होगा 50th टर्म तो ए 50 की वैल्यू कितनी दी हुई है 106 यस डियर क्लियर है क्वेश्चन समझ में आया कि आपको टोटल टर्म्स दिया हुआ है 50
A3 की वैल्यू, थर्ड टर्म की वैल्यू दी हुई है 12, 50th, 50th टर्म क्यों बोल रहे हैं, उसने लास्ट टर्म बोला है, तो इसका लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50th वाला, इसलिए A50 की वैल्यू कितनी दी हुई है 106। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म फाइंड आउट करने बोल रहा है, मतलब A29 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए, A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A+3-1(d), इज इट क्लियर। A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, A की वैल्यू नहीं पता, 2d की वैल्यू भी नहीं पता है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, A50 की वैल्यू कितनी दी हुई है 106, तो A50 का फॉर्मूला क्या होगा, A+50-1(d), A50 की वैल्यू कितनी दी हुई है 106, A+49d, सेकेंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम, फिर से सॉल्व कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, A+2d = 12, A+49d = 106। अगेन ए सेम है, साइन चेंज कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में से 49 गया कितना बचा -47d, 12 में से 106 गया कितना बचा, कितना बचेगा, 94 विल बी कैंसल आउट, d इज इक्वल टू कितना आएगा 94/47, दैट इज 2, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस d की वैल्यू यूज करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू, A+2(2)=12, कितना आएगा A=8 आएगा, 2×2=4, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12-4 दैट इज 8, ए और डी की वैल्यू मिल गई। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 29 की, A29 का फॉर्मूला क्या होगा, A+29-1(d), ठीक है, A29 = ए की वैल्यू कितनी आई है 8, 29-1 = 28, डी की वैल्यू कितनी है 2, 28 2 56+8 64, तो 29 की वैल्यू कितनी आ गई 64, दिस इज योर आंसर, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है कृपया करके पूछें। थर्ड एंड द 9th टर्म ऑन एफ एपी, एक एपी है जिसका थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है, थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू दी हुई है कितनी, A3 की वैल्यू 4, और 9th टर्म मतलब A9 की वैल्यू कितनी दी हुई है -8, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है इसका एपी का, इस एपी का 0 होगा, तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म बी 0, मतलब an की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो आपको आप क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको a और d की वैल्यू होनी चाहिए, वो a और d की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से A3 का फॉर्मूला लगाइए, A+3-1(d), A3 की वैल्यू 4, A+2d, इक्वेशन नंबर 1, A9 का फॉर्मूला लगाओ, A+9-1(d), A9 की वैल्यू कितनी है -8, A+8d, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, A+2d और A+8d = 4 = -8, ये माइनस और ये माइनस का प्लस, ठीक है, ये दोनों कैंसल आउट, 2 में से 8 गया कितना बचा -6d, 4 में 4+8 कितना होगा 12, 12/-6d की वैल्यू कितनी आएगी -2, d की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसमें फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, A+2(-2)=4, A-4=4,
ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। डी और ए की वैल्यू आ गई, अब आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी आई 8, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू कितनी आई -2। 8 इधर आके क्या हो जाएगा -8, एन माइनस वन इंटू -2, -2 इधर डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 4 जा 4, माइनस वन इधर आके क्या हो जाएगा +1, एन की वैल्यू कितनी आ गई 5। मतलब इसका फिफ्थ टर्म जो है वो क्या होगा 0 होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। माइनस है तो प्लस करेंगे ना भाई, माइनस क्यों होगा, जो साइन रहता है उसको अपोजिट करते हैं ना, इधर माइनस इधर, ऐसा थोड़ी ना रूल है, यहाँ पे प्लस था तो माइनस किए, प्लस था तो माइनस किए, माइनस है तो प्लस करेंगे, अपोजिट साइन चेंज मतलब क्या होता है, जो साइन है उसको अपोजिट साइन लिखोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, बोल रहा है कि जो 17th टर्म है किसी एक एपी का उसके 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो ये इक्वेशन आपको मिला है, ए 17 इज इक्वल टू ए 10 प्लस 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी है, ए 17 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ए 10 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7, ये कितना होगा, ए प्लस 16 डी, ये कितना होगा, ए प्लस 9 डी प्लस 7। दोनों तरफ देखो ए है, दोनों तरफ सेम साइन है, सेम साइन है तो कैंसल आउट हो गया, 16 डी, 9 डी को इधर ले आओ, माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7, कितना आएगा ये 16 में से 9 का कितना बचा 7 डी, 7 डी इज इक्वल टू 7, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कॉमन डिफरेंस पूछा था आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी गिवन है, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, 3, 15 और 27, 39, या नीचे लिख देता हूँ ना, 39 और --। आपसे पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 132 ज्यादा होगा किससे, 54th टर्म से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, an जो है ये हम लेट कर रहे हैं, ठीक है, an जो है वो a54 से कितना ज्यादा है, 132। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है, लुक एट ओवर हियर, आई एम राइटिंग हियर, आई एम नॉट राइटिंग इन योर बुक, वो क्या बोल रहा है कि ऐसा इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो उसके 54 टर्म से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि nth टर्म जो है उसके 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। क्लियर है, तो आप सबसे पहले क्या करो, a54 की वैल्यू बताओ, a54 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 53 डी, यही होगा। चलिए डी, अच्छा डी का, डी की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि एपी दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना है 3, और डी की वैल्यू 15 माइनस 3 कितना आएगा 12, तो डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए प्लस 12 इंटू 53 कितना होगा, जल्दी फटाक से बताओ, 12 3 जा 36, 6 3 कैरी, 12 5 जा 63 आया। तो ए 54 की वैल्यू कितनी आई, ए प्लस 636 आई। क्लियर है, थोड़ा सा यहां से स्पेस ले रहा हूं मैं, ठीक। अब आपको देखो क्या रिलेशन था, ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी जगह पे ये लिखा इज इक्वल टू, ए 54 की जगह क्या लिखूंगा, ए प्लस 636 प्लस 132,
ये देखो 132, इन दोनों को ऐड करिए कितना होगा, ये देखो ए ए कट जाएगा, डी की वैल्यू पता है कितनी है 12, एन माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 636 प्लस 132 768, 12 से डिवाइड कर दो, 768 डिवाइडेड बाय 12, 12 सिक्स जा 72, 4 बचा, 12 4 जा 48, 64 आया, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 65, मतलब इसका जो 65th टर्म जो है वो 54th टर्म से कितना ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा। समझ में है कैसे करना है? नोट करिए फटाफट, थोड़ा सा हौचपच हो गया, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, रॉन्ग नोट मत करना कृपया करके। 5.2 क्वेश्चन नंबर 12, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब बोल रहे हैं आपको कि दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो दो AP है, एक AP में मान लेता हूँ 1 और दूसरा AP मान लेता हूँ 2, AP 1 एंड AP 2, ये दो AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका कॉमन डिफरेंस D1 होगा और इसका कॉमन डिफरेंस D2, सेम है मतलब एक दूसरे के इक्वल है, D1 इज इक्वल टू D2, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, ठीक है, मतलब इन दोनों का 100 टर्म्स, तो मैं यहाँ पे 100 टर्म्स निकाल रहा हूँ किसका, फर्स्ट AP का, फर्स्ट AP का और सेकेंड AP का, ये फर्स्ट AP का निकाला मैंने और सेकेंड AP का, ये इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, डिफरेंस मतलब माइनस दिया हुआ है, हाँ सो जाओ अच्छे से सो जाओ, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म बताइए, इस AP का फर्स्ट टर्म A1, इस AP का फर्स्ट टर्म A2, समझ में आ रहा कि नहीं, क्योंकि वो AP1 है और वो AP2 है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, A100 मतलब A प्लस A1 है ना, क्योंकि फर्स्ट AP का लिख रहे हैं, A1 100 माइनस 1 इंटू D1 माइनस लगा दिए, मतलब उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D2 इज इक्वल टू 100, ठीक, A1 प्लस 99 D1, ये माइनस A2 हम प्लस माइनस माइनस 99 D2, इज इट क्लियर। क्या ये रिलेशन हमको पता है कि D1 जो है वो D2 के इक्वल है, मतलब मैं एक जगह चेंज कर सकता हूँ, या तो D1 को चेंज कर दूँ या तो D2 को, किसको चेंज करूँ, D1 को चेंज कर देता हूँ, D1 की जगह D2 लिख दूँ चलेगा, दोनों को मत चेंज कर देना, कोई भी एक को चेंज कर दे। अब देखो ये दोनों प्लस और माइनस में कैंसिल आउट हो गए, क्या रिलेशन मिला आपको, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, एक रिलेशन मिला। नेक्स्ट आपको बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा, तो 1000 ऑफ फर्स्ट AP माइनस 1000 ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इन दोनों का हमको डिफरेंस अब पूछ रहा है, तो 1000 फर्स्ट AP का 1000 वाला टर्म निकालना है हमको, तो A1 1000 मतलब 1000 माइनस 1 लिखूंगा मैं इंटू D1 माइनस, फिर से ब्रैकेट लगाऊंगा, A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D2, आ रहा समझ में, A1 प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा 999 D1 माइनस A2 माइनस 999 D2, देखो फिर से D1 और D2 सेम है बोला है, तो किसी एक को चेंज कर देंगे, A1 प्लस 99 D2 माइनस A2 माइनस 999 D2, ये दोनों कैंसल आउट, A1 माइनस A2 फिर से यहाँ मिल गया, A1 माइनस A2 के लिए पहले फाइंड आउट किए थे आप, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, मतलब
उनके 100 टर्म्स का जो हमने डिफरेंस 100 बोला था क्वेश्चन में, तो 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस कितना आया? 100 ही आया. इज इट क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखोगे 100 ऐसा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हाउ मैनी 3-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मैनी 3-डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से. क्या 100 7 से डिविजिबल है? 101 102. डिवाइड करके चेक करके बताओ ना भाई. 103 104 105. तो 105 जो है 7 इज डिविजिबल है. 7 1 7 7 5 35. बाकी सब 7 से डिविजिबल नहीं है. तो आपका फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? 105. कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 7. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल होना चाहिए. अब आपको फर्स्ट टर्म मिल गया है, उसके बाद 7 प्लस करते जाओ, 7 से डिविजिबल होगा. तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 7. क्लियर है? जिससे डिविजिबल आपको बोला है वही आपका कॉमन डिफरेंस है, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में. अब आपको लास्ट टर्म बताना है, ठीक है? लास्ट टर्म मतलब पीछे से रिसर्च करोगे. हाईएस्ट 3-डिजिट नंबर बताइए. 999 7 से डिविजिबल है क्या? चेक करो. नहीं है. 998 ये भी नहीं है. डिवाइड करके चेक किया होगी, ऐसी बोल रहे हो. 7 1 7 29 हुआ. 7 4 28 1 बचा 18, नहीं होगा. 1 बच रहा है ना यहाँ पे, तो 1 मतलब यहाँ पे 4 होना चाहिए, मतलब 994 आएगा सीधा, ठीक है? 7 1 7 2 29 हुआ. 7 4 28 1 बचा, 7 2 14 डिवाइड हो गया. तो 994 डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट टर्म आपका कौन सा है? 994. समझ में आया कैसे निकाले? फर्स्ट टर्म कैसे निकाले, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले, लास्ट टर्म कैसे निकाले. क्लियर है? चलिए, तो लास्ट टर्म मिल गया. अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने टर्म्स हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एन की. एन की वैल्यू निकाल लो. लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. लास्ट टर्म हमारा 994, ए की वैल्यू 105, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 7. 105 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस करिए, कितना आ रहा? 889 डिवाइडेड बाय 7 करिए, कितना आ रहा? 9 तो गलत की होंगी. 1 2 7 1 2 7 plus 1 1 2 8. तो इसके टोटल कितने नंबर्स, 3-डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे? 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे. अच्छा था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइ बिटवीन 10 and 250. 10 और 250 में 4 के मल्टीपल कितने हैं लाए करेंगे, मतलब 4 से मल्टीपल मतलब 4 से डिवाइड होना चाहिए. अगेन डी की वैल्यू बताओ. नीचे देख रहे हैं कितनी होगी? 4. 4 से डिविजिबल मतलब 4 हुआ ना भाई कॉमन डिफरेंस. अब आपको 10 और 250 के बीच में बोला है, 10 and 250 के बीच में. क्या 10 के बाद 11 4 से डिविजिबल है? 12 है, मतलब फर्स्ट टर्म हमको मिल गया 12. लास्ट टर्म निकाल लो. 250 4 से डिविजिबल है क्या? 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते? लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए. 4 1 4 डिवाइड नहीं है. 49 4 से डिवाइड नहीं होगा. 48 होगा. तो लास्ट टर्म हमको मिल गया क्या? 248. लास्ट के दो डिजिट डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है? 4 के डिविजिबिलिटी रूल है वो. 48 डिविजिबल है, इसलिए 248 क्या हो गया? 4 से डिविजिबल हो गया. लास्ट टर्म मिल गया, फॉर्मूला लगा लो लास्ट टर्म का. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एल की वैल्यू है 248, ए की वैल्यू है 12,
प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। 248 माइनस 12 कितना होगा 236 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 4 5 20 और 4 9 36 59 प्लस 1 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो ऐसे 10 और 20 250 के बीच में कितने होंगे 60 नंबर्स होंगे जो 4 से मल्टीपल होंगे या 4 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल, ठीक है। n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP का आर द nth टर्म ऑफ 2। चलिए तो सबसे पहले दोनों AP लिखता हूँ। सबके पास क्वेश्चन है 63, 65 और 67 डैश डैश डैश, इसके लिए A की वैल्यू बताओ 63, कॉमन डिफरेंस बताओ 2, ठीक है। नेक्स्ट AP क्या है 3 प्लस 3 कॉमा 10 17 डैश डैश डैश, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 7। ए और डी क्लियर हो गया है तुम लोगों को, मतलब वेरी गुड, अच्छी बात है। तो अब हमको पूछ बोल रहा है कि इन दोनों का nth टर्म जो है, इसको मैं फर्स्ट AP मान लेता हूँ, इसको सेकेंड AP मान लेता हूँ। तो फर्स्ट nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड AP, ठीक है। तो इसके लिए मैं ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन इज इक्वल टू, इसको ए वन ए टू डी वन डी टू दे दो, ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू, क्लियर है। अब ए वन, ए वन की वैल्यू कितनी है 63, एन माइनस वन, डी वन की वैल्यू कितनी है 2, 2 है ना। ए टू की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस वन, डी टू की वैल्यू कितनी है 7, क्लियर है। 63, यहां से थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, हम चुरा लेते हैं 63 प्लस, इसको पहले सॉल्व कर लो है ना, ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 7n माइनस 7 हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया दो, ये वाला टर्म उधर भेजे तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। 63 में से 3 गया कितना बचा 60, 7n में से 2n गया कितना बचा 5n, माइनस 7 प्लस 2 कितना होगा माइनस 5, माइनस 5 इधर आके कितना हो जाएगा 65, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, 13 5 65 होता है, क्लियर है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13, जिसके लिए दोनों nth टर्म जो है इसका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा दोनों AP का। ना क्वेश्चन नंबर 5.2 का 16, दो भाई बुक, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म गिवन है मतलब ए थ्री की वैल्यू गिवन है 16, एंड द सेवंथ टर्म एक्सिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवंथ टर्म जो है उसके फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है बोल रहा है 12 ज्यादा है, ठीक है। तो ए सेवन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए फाइव प्लस 12 लिखेंगे। अब आपको AP फाइंड आउट करना है, फटाक से ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी तो AP बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, ए थ्री इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए थ्री की वैल्यू 16 मतलब ए प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा सा फास्ट करूंगा, आप समझ गए हो ना, ए सेवन के फॉर्मूला बनाओगे कितना आएगा ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए फाइव मतलब ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। यहां से देखो a और a क्या हो गया कट गया, 7 माइनस डी 1 मतलब 6d, इधर कितना बचा 4d, 4d इधर आके क्या हो जाएगा 2d, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, d की वैल्यू 6 आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, फ्रॉम 1 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, 6 प्लस 6 2 जा 12,
12 इधर आके क्या हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। a और कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म 4 है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 10, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 16, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 22। कैसे निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जा रहे हैं। हियर इज योर एपी आंसर, क्लियर है? ओहो हाँ, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ टर्म मतलब ए फोर और ए एट, इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना 24 दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ गए भैया, इधर है। द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का सम दिया हुआ है कितना 44। आपसे पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले, तभी थ्री टर्म्स बताएंगे। फटाक से कर लेते हैं। ए फोर मतलब ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस 8 मतलब ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। ए प्लस 5d, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, यहाँ से बच रहा है 3d और यहाँ से बच रहा है 7d, कितना हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन निकल जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 12 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से सॉल्व कीजिए, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। ए प्लस ए अगेन 2a, ये 5d और 9d कितना 14d इज इक्वल टू 44। अगेन 2 कॉमन निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 22। इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करिए, a और d की वैल्यू मिल जाएगी। आ रहा समझ में कि सब ऊपर से जा रहा, ये दोनों कैंसल आउट, 5 माइनस 7 माइनस 2d, 12 में से माइनस 22 माइनस 10 माइनस माइनस कैंसल आउट, डी इज़ इक्वल कितना आ गया 5, 10 बाय 2 5। और a की वैल्यू कितनी आई, सॉल्व करेंगे इसमें पुट कर दो, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, 5 जा कितना होता है 25, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 25 माइनस 13 यही आएगा। अब थ्री टर्म्स बोल रहा है, फर्स्ट टर्म हमारा माइनस 13 है, प्लस 5 करो कितना आएगा माइनस 8, प्लस 5 करो कितना आएगा माइनस 3। ये इज योर आंसर, क्लियर है? 19 एंड 20 आपका होमवर्क है, सॉल्व करके आना है आपको। ओके डियर।